हेलो गाइस गाइस, मैं आपका दोस्त सुमित खरब। आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे रियल एस्टेट एस्क्रो अकाउंट के बारे में। बहुत सारे लोगों के डाउट है कि एस्क्रो अकाउंट कैसे ओपन होता है, किसके बीच ये किया जाता है, इसकी सेफ्टी क्या है, और पहले रियल एस्टेट और आज के रियल एस्टेट में डिफरेंट क्या है। तो दोस्तों, पूरी कंप्लीट डिटेल इसके अंदर जानने वाले हैं। ज़्यादातर लोग थोड़े एस्क्रो अकाउंट को दूसरे तरीके से देखते हैं, तो आप इस वीडियो के अंदर बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीज़ें कंप्लीट करने वाला हूँ। तो ज़्यादातर लोग एस्क्रो अकाउंट के बारे में भी नहीं जानते कि रियल एस्टेट के अंदर एक एस्क्रो अकाउंट होता है, उसको कौन हैंडल करता है, डेवलपर कब पैसा निकाल सकता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे दोस्तों। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रियल एस्टेट के अंदर ये एस्क्रो अकाउंट लाने का पर्पज़ क्या था। दोस्तों, आप जानते हैं कि कुछ टाइम पहले, अगर कुछ साल की अगर हम बात करें रेरा से पहले, यानी रेरा एक्ट बनाया गया था 2016 के अंदर, उससे पहले की अगर रियल एस्टेट को थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो जब कोई प्रोडक्ट डेवलपर बेचता था, उस टाइम गवर्नमेंट को ये नहीं पता होता था कि एक्चुअल में इस प्रोडक्ट के अंदर डेवलपर को कितना फंड दिया गया है, कैसे किया गया, क्योंकि उस टाइम जो पैसा आप डालते थे, यानी कोई प्रॉपर्टी बाई करते थे, तो जो पैसा था डेवलपर अपने अकाउंट में ले लेता था, तो पता नहीं होता था कितना पैसा आ रहा है, कितना जा रहा है, कब निकल रहा है, तो प्रोडक्ट स्टक हो जाते थे। तो जब कोई प्रोडक्ट के अंदर मान लीजिए 2000 करोड़ रुपये आ जाते हैं, तो वो प्रोडक्ट कंप्लीट ना करके डेवलपर क्या करता था कि उसी फंड को अदर प्रोडक्टों के अंदर यूज कर देता था, यानी लैंड परचेज कर लेते थे। तो जिससे कि जो जिस प्रॉपर्टी के अंदर जो होम बायरों ने जो प्रॉपर्टी बाई की है, वो टाइम पे नहीं मिलते थे, क्योंकि वो पैसा लगा डेवलपर कहीं और देता था, उस प्रोडक्ट के लिए बनाने के लिए डेवलपर के पास पैसे ही नहीं होते थे, तो इसलिए प्रोडक्ट हैं वो सारे स्टक हो जाते थे। मोस्टली आज आप दिल्ली NCR के अंदर काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो डिले हो गए हैं या फिर वो स्टक हो गए हैं। उनका रीजन ही यही था कि जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा लिया गया है होम बायर के लिए द्वारा, तो वहाँ से वो पैसा पूरा उस प्रोजेक्ट में लग ही नहीं पाया, और ना ही गवर्नमेंट इस चीज को ट्रैक कर पाती कि एक्चुअल में कितना पैसा इसके पास आया, राइट। तो उस सारी चीजों को एक्टिव करने के लिए या इन चीजों को सही करने के लिए गवर्नमेंट ने, यानी रेरा ने, एक इस एक्ट के तहत रियल स्टेट के अंदर एक रेगुलेशन एक्ट बना दिया, जिसके आज हम रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट कहते हैं, यानी हम डेवलपमेंट एक्ट भी इसको कह सकते हैं। तो रेरा यानी हरियाणा हरेरा के तहत आज अगर रियल एस्टेट के अंदर 2016 के बाद, यानी दिल्ली NCR के अंदर जो भी हम प्रॉपर्टी बाई करते हैं, वो रेरा के अंडर में हम बाई करते हैं, यानी कोई प्रोडक्ट है डेवलपर लेके आता है, उसका रेरा होता है, रेरा के बाद प्रॉपर्टी है उसको सेल कर सकता है। तो आज इस एस्क्रो अकाउंट की अहमियत को हम समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो एस्क्रो अकाउंट है, ये जब रेरा एक्ट आया था 2016 में, उस टाइम पे एक एस्क्रो अकाउंट का भी नाम दिया गया, यानी ये जो एस्क्रो अकाउंट है, ये एक ऐसा अकाउंट है जो बैंक बनाएगा, यानी बैंक के अंदर ये अकाउंट है ना, वो ओपन होता है, ठीक है, उसके बाद डेवलपर को ये हैंडओवर कर दिया जाता है। यानी जब एक प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले कोई डेवलपर है एग्रीकल्चर लैंड बाय करता है, एग्रीकल्चर लैंड के बाद वो प्रोडक्ट डिसाइड करता है कि वो क्या, फिर LOI लिया जाता है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, उसके बाद एक लाइसेंस है वो अप्लाई किया जाता है, उस लाइसेंस के अंदर ये एस्क्रो अकाउंट है वो मेंशन होता है। आपने ज्यादातर लाइसेंस के अंदर देखा होगा कि एक बैंक अकाउंट होता है, उसके अंदर जो ये एस्क्रो अकाउंट होता है ये डाला जाता है, उसके बाद आपका एक रेरा है किसी प्रोडक्ट का, वो रेरा है वो लिया जाता है। तो यानी रेरा के बाद आपके जो एस्क्रो अकाउंट है उस प्रोडक्ट का, यानी ये जो एस्क्रो अकाउंट है ये एक प्रोडक्ट का प्रॉपर तरीके से ओपन होगा रेरा के तहत। तो ये जो अकाउंट है आपको मिलेगा, यानी कोई भी XY जो भी प्रोडक्ट है, उसके बाद जो कलेक्शन अकाउंट या कुछ ऐसे अकाउंट होता है, वो एक रेरा आपका एस्क्रो अकाउंट होता है। यानी रेरा कहता है भाई आप कहाँ एक एस्क्रो अकाउंट हम ओपन करते हैं, और ये बैंक में ओपन किया जाता है, और कोई रेरा इसको हैंडल नहीं करता है। रेरा क्या करता है, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये खुलता कहते हैं, ये एक बैंक के अंदर अकाउंट खुलता है और उस प्रोजेक्ट के नाम से ओपन किया जाता है, और वो जो अकाउंट है वो रेरा के अंदर सबमिट किया जाता है ताकि रेरा उसकी जाँच पड़ताल करे। और रेरा क्या करेगा कि आपको एक अथॉरिटी देगा कि भाई आप है ना जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च करने जा रहे हैं उस नाम से ही वो प्रोडक्ट होगा, और उसी प्रोजेक्ट का पैसा इस एस्क्रो अकाउंट के अंदर डलेगा, और आप रेरा से पहले एस्क्रो अकाउंट के अंदर पैसा नहीं ले सकते। जब तक आपको रेरा नहीं मिलेगा तब तक आप प्रोजेक्ट के नाम से पैसा नहीं ले सकते, ये साफ साफ रेरा कहता है। और एस्क्रो अकाउंट जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तब तक उस एस्क्रो अकाउंट का यूज है वो किया जाता है। अब रेरा ये कहता है भाई
आप इसका यूज है वो कब कब करोगे, कैसे कैसे पैसा निकालोगे, ये चीजें भी हम थोड़ा सा है ना डिस्कस करते हैं। इसके अंदर जैसे कि हमने डिस्कस किया कि भाई जो बैंक है वो एक अकाउंट ओपन करता है किसी भी बैंक में जाके जो प्रोडक्ट के नाम से जब लाइसेंस हो करते हैं, तो आपको प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट देके उस नाम से जो अकाउंट है वो आपका ओपन हो जाता है। अब किसी प्रोजेक्ट का भाई रेरा मिल गया, ठीक है, रेरा मिल गया और वो प्रोजेक्ट का नाम हम एक्स वाई ले लेते हैं कि ये एक्स वाई के नाम से ये एस्क्रो अकाउंट है, ये प्रोजेक्ट का नाम है। अब प्रोजेक्ट है जी, वो लॉन्च हो जाता है, रेरा मिल जाता है, तो डेवलपर क्या करेगा कि उसने जो भी है भाई फ्लैट का प्रोजेक्ट है, रेजिडेंशियल है, या आपके प्लॉट्स का है, या कोई कमर्शियल का है, उसकी ये सारी चीजें हैं प्रॉपर्टी के अंदर उन्होंने लॉन्च कर दी बाजार के लिए। तो बाजार क्या करेगा, इसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो शो करेगा भाई मैंने ये प्रॉपर्टी खरीदनी है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक फ्लैट की वैल्यू लेते हैं जी, 2 करोड़ रुपए की एक फ्लैट की वैल्यू है, तो जो ये 2 करोड़ है जो कस्टमर है, अब यहाँ पे रिलेशन आ जाता है जी कस्टमर और फिर बीच में आपका एस्क्रो अकाउंट और फिर बीच में डेवलपर। तो जब ये कस्टमर है ना, पैसा कहाँ डालेगा जी, आपके एस्क्रो अकाउंट में, राइट। एस्क्रो अकाउंट से डायरेक्टली पैसा डेवलपर के पास है वो नहीं जाएगा, उसके भी कुछ रूल रेगुलेशन है, इसको भी थोड़ा हम थोड़ा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि जब आप किसी प्रॉपर्टी के अंदर जो पैसा डालते हैं वो आपके डेवलपर के जो मेन जो अकाउंट होता है उसके अंदर नहीं जाएगा। अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जैसे कि कस्टमर हो गया, ये अपना एस्क्रो अकाउंट हो गया और ये हो गया डेवलपर, ठीक है जी। अब आपको एस्क्रो अकाउंट का पता चल गया, आपको प्रोडक्ट का पता चल गया, आपको क्या खरीदना है इसका पता हो गया। अब बात करते हैं जी आप क्या खरीद रहे हैं वो कैसे होगा। आपने मान लीजिए जी एक 10% की अमाउंट है वो आपने दे ही, मान लीजिए 1 करोड़ रुपए, तो ये जो आपका फंड है, जो पैसा है, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगा, एस्क्रो अकाउंट में। डायरेक्ट आपका ये पैसा डेवलपर को नहीं जाएगा, ठीक है, तो ये आपका एस्क्रो अकाउंट के अंदर ही जाएगा। और एस्क्रो अकाउंट एक रिपोर्ट सबमिट करता है रेरा के अंदर और डेवलपर की, आपने ये जो पैसा है ये किस यूनिट का लिया है, किस हिसाब से आपने ये पैसा एस्क्रो अकाउंट में कस्टमर से डलवाया है, तो वो पूरी रिपोर्ट होती है। तो डेवलपर के पास जब चीजें हो जाती हैं, मान लीजिए 3 मंथ हो जाते हैं इससे ज्यादा, तो ये जो रिपोर्ट है डेवलपर वो कहाँ सबमिट करेगा, रेरा के अंदर, क्योंकि उसने अब पैसा लेना है, प्रोडक्ट को बनाना है, तो वो क्या करेगा, पहले आपको रिपोर्ट देगा 3 महीने की रेरा को, और रेरा उस रिपोर्ट को चेक करके पैसे को है ना वो विड्रॉ आप कर सकते हैं टू डेवलपर। तो यानी डेवलपर उस टाइम पैसा निकाल सकता है जब रेरा के अकॉर्डिंग ये सारी रिपोर्ट जो आपने बताई है, जो सबमिट करी है रेरा के अंदर, और ये रिपोर्ट आपकी अच्छी पाई जाती है, तब आप विड्रॉ करते हैं। अगर इन रिपोर्ट के अंदर कोई फ्रॉड या किसी प्रकार का ऐसा आता है तो रेरा क्या करेगा, उस अकाउंट के ऊपर ऑडिट कर देगा, ठीक है। तो इस वजह से ये जो पैसा है डायरेक्ट डेवलपर के पास ना जाके एक ये जो एस्क्रो अकाउंट है इसको खोलता है बैंक, ठीक है। ये कभी भी रेरा अकाउंट, ये एस्क्रो अकाउंट नहीं खोलता है, बट रेरा सिर्फ इसकी ऑडिट करता है, रेरा सिर्फ चेक करता है, तो ये खुलता तो नॉर्मल बैंक के अंदर ही है। और ये जो अकाउंट है एस्क्रो अकाउंट, ये उस प्रोडक्ट के यानी जो भी प्रोजेक्ट आप बना रहे हैं उसके नाम से ये एस्क्रो अकाउंट है वो बनता है। और ये जो एस्क्रो अकाउंट है जब तक रहता है जब तक आपका जो प्रोजेक्ट है वो डिलीवर ना हो जाए, यानी डिलीवरी उस प्रोडक्ट की ना मिले, तब तक ये एस्क्रो अकाउंट आपका काम करता है। उसके बाद यानी 1 से 2 साल के बाद जब किसी प्रोजेक्ट के अंदर 60% की ऑक्युपेंसी हो जाती है, तो ये जो टाउनशिप है ये चली जाती है RWA के अंदर, यानी रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन आ जाती है। तो ये जो एस्क्रो अकाउंट है ये कंस्ट्रक्शन तक रहता है, उसके बाद इस अकाउंट को यूज सिर्फ इसी प्रोडक्ट के अंदर होता है, कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट और जब CC वगैरह आ जाता है, तो इस एस्क्रो अकाउंट का मोस्टली जो यूज है फिर वो डेवलपर के पास ही चला जाता है, और 100% जो पैसा है वो डेवलपर ले लेता है, क्योंकि उसने प्रोडक्ट बना दिया, सारी चीजें कर ली और उसने वो पैसा है निकाल लिया। उसके बाद आपकी टाउनशिप है वो RWA के अंदर में हैंड ओवर हो जाती है। फिर वो डेवलपर आपसे 2 चीजें पूछता है कि भाई आप जो ये टाउनशिप है ये RWA बनाना चाहते हैं या आप मेरे अंडर ही इसको मेंटेन करना चाहते हैं, तो उसके तहत मेंटेनेंस और जो RWA होती है वो आप लोग डिसीजन करते हैं कि RWA बनाएं या डेवलपर ही उसको मेंटेन करे।
फिर क्या होता है कि एक जो अकाउंट उस टाउनशिप का है वो आरडब्ल्यू के तहत ओपन होता है, उसके अंदर एक फिक्स आपने देखा होगा कि इस टाउनशिप का जो आपका जो मेंटेनेंस है वो पर स्क्वायर फीट काउंट किया जाता है, जिसको हम मंथली लेते हैं। तो फिर वो आरडब्ल्यू के अंदर वो पैसा रहता है, उसको सोसाइटी की एक्टिविटी मेंटेन डेवलपमेंट उसके अंदर उस मेंटेनेंस को है वो यूज किया जाता है, जिसमें गार्ड, सीसीटीवी कैमरे या आपने कुछ डेवलपमेंट, सफाई, कूड़ा, ये सारी चीजों में वो पैसा है आपका मेंटेनेंस का यूज होता है। यानी जब एक प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट बनाने के लिए एस्क्रो अकाउंट को यूज किया जाता है। ये पैसा तब तक निकलता रहता है जब तक जैसे जैसे मान लीजिए ये एक बिल्डिंग हमने बना दी है, तो इसका पैसा अब कैसे कैसे निकलेगा। मान लीजिए यहाँ पे काम हो गया इसका 10% का, ठीक है, तो डेवलपर क्या करेगा, एक रिपोर्ट सबमिट करेगा रेरा को कि मुझे 10% का पैसा है वो लगाना है। तो डेवलपर क्या करेगा जी, उस प्रोजेक्ट के फोटो या जो भी और अदर यूज के हैं वो सारी चीजें, तो इनको चेक कौन करेगा, आपका कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है जी, आपका CA हो गया प्लस आपका आर्किटेक्चर हो गया, ये चेक करेंगे इस रिपोर्ट को। इनके साइन के बाद रेरा में जाएगी, रेरा चेक करके ओके होगा तो ये जो 10% का पैसा है ये विड्रॉ के लिए ओके कर देगा, तो पैसा 10% निकल जाता है। उसके बाद जैसे फिर यहाँ पे 30% काम कंप्लीट होता है, तो इस 30% की रिपोर्ट है वो सबमिट करेगा तो ये 30% का पैसा निकलेगा। उसके बाद ये चला जाता है जी, यहाँ मान लीजिए 60% की कंप्लीट हो गया तो 60% तक का पैसा है वो सेम वैसे ही आप पैसा रेरा की उससे निकाल सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जब भी आप रिपोर्ट जैसे जैसे सबमिट करेंगे, मान लीजिए भाई आपने 3 महीने तक कोई भी रेरा के अंदर कोई भी रिपोर्ट नहीं दी है और आपने पैसा यूज कर लिया रेरा को बिना बताए, ठीक है जी, तो रेरा क्या कर देगा जी, आपके अकाउंट के ऊपर ऑडिट मार देगा या आपको पेनल्टी लगा देगा जी आपने ऐसा किया है तो, या फिर कुछ अदर तरीके से ना वो एक्शन है वो लिए जाते हैं। तो आपका पैसा यहाँ हम 100% है ना सिक्योर मान सकते हैं और आपकी प्रॉपर्टी को 100% तरीके से डिलीवर है वो किया जाएगा, ठीक है। तो रेरा हर 3rd महीने की रिपोर्ट मांगता है और हर 3rd महीने में आपके अकाउंट के ऊपर नजर रहती है डेवलपर के। तो वो जो 100% का जो ये पैसा है, ये 100% का पैसा आपके प्रोजेक्ट को डिलीवरी तक, यानी जब तक ये बन के रेडी नहीं होता तब तक ये पैसा इसी प्रोडक्ट पे लगेगा, यानी इस प्रोडक्ट के अलावा कहीं नहीं लगेगा। सिर्फ ये 100% जो पैसा है वो आ गया जी, 70% तक पैसा है वो प्योर कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट को डेवलपमेंट में लगेगा और 30% जो पैसा है वो डेवलपर निकाल सकता है, क्योंकि वो मार्केटिंग एक्सपेंसेस, आपके CRM या अदर एक्सपेंसेस हैं उसके लिए 30% का पैसा है। लेकिन ये 30% की भी रिपोर्ट है पूरी कंप्लीट तरीके से ये रेरा को सबमिट करनी पड़ेगी, तभी आप 30% का जो पैसा है वो रेरा आपको अथॉरिटी देगा जी, तब आप ही निकाल सकते हैं। ये नहीं कि आपने डायरेक्टली 30% का पैसा है वो निकाल लिया और फिर आपने रिपोर्ट सबमिट की। जब रेरा बनाया गया था उस टाइम ये होता था कि पहले डेवलपर क्या करता था, पैसा वो निकाल लेता था उसके बाद रिपोर्ट सबमिट करता था, तो उसके अंदर कुछ दिक्कतें होती थी, ठीक है, फिर रेरा उसके ऊपर ऑडिट करता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब थोड़ा सा बदल गया है, पहले रिपोर्ट सबमिट होंगी, ठीक है, और उस रिपोर्ट के ऊपर भी किसके साइन होंगे, आपके CA के होंगे, आपके कॉन्ट्रैक्टर के होंगे, आपके और जो डिजाइन करता है सबके साइन उसके ऊपर होके तब वो रिपोर्ट है रेरा के अंदर जाएगी और रेरा फिर उसको रिपोर्ट को चेक करेगा और फिर अगर वो ओके पाई जाती है तब वो फंड है वो रिपीट आपको ओके करके आप इसको विड्रॉ कर सकते हैं। अगर उस चीज में कुछ ऐसा इश्यूज हो गया तो रेरा क्या करता है, रेरा आपकी गाइडलाइन के तहत उसके ऊपर फिर अकाउंट के ऊपर ऑडिट कर देगा। तो ये है कि आप आज जो प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेफ ले रहे हैं, अच्छे तरीके से बाइंग कर सकते हैं, बेफिक्र होकर आप बाई कर सकते हैं अगर प्रोडक्ट का रेरा है। तो एस्क्रो अकाउंट बहुत पावरफुल चीज है, इसके अंदर रियल स्टेट जैसे ही एक्ट बनाया गया, रियल स्टेट डेवलपमेंट एक्ट के अंदर ये एस्क्रो अकाउंट का इसलिए एक महान हिस्सा है कि आपका जो पैसा है वो सेफ है, उसके ऊपर रेरा की नजर है, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो टाइम पे डिलीवर भी होगा। और अगर कोई डेवलपर उस चीज के अंदर अगर मान लीजिए भाई उसने टाइम पे नहीं पोजीशन की या उसने उस प्रोडक्ट को स्टक बना दिया है तो आपका जो पैसा है वो सेफ है, तो डेवलपर तो यूज नहीं कर सकता। ये पहले क्या करते थे डेवलपर की भाई आपने पैसा दे दिया है, आपने कोई 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद ली है तो डेवलपर के पास उस प्रोजेक्ट में 200-300 करोड़ रुपए आ गया, तो उस 200-300 उसमें से कुछ पैसा निकाल लेता 50-60%, तो क्या करता आगे लैंड परचेज कर लेता, तो उस प्रोडक्ट के ऊपर पूरा पैसा ही नहीं लग पाता था, इसलिए वो स्टक हो जाते थे क्योंकि डेवलपर के पास फिर पैसा नहीं बचता था, आगे ना जाने कितने 1000 एकड़ उन्होंने लैंड पार्सल है वो खरीद लिया। लेकिन अब नहीं है, अब आपका पैसा जो आप दे रहे हैं वो पूरा का पूरा फंड आपका आपके प्रोडक्ट के अंदर लगेगा। अब इसमें दो चीजें मैं आपको थोड़ी समझा देता हूं। ये तो होगी जी आपने प्रोजेक्ट है उसके अंदर पैसा लगाया, यूनिट खरीदी, आपने प्रोजेक्ट है
खरीदा, उसके बाद जब प्रोजेक्ट है ना डिलीवरी हो जाता है यानी डिलीवर्ड हो जाता है, तो रेरा का जो प्रोजेक्ट है 60% प्लस की जब जैसी ऑक्युपेंसी हो जाएगी, तो जो डेवलपर वो ये कहता है भाई या तो आप मेरे तहत इसकी मेंटेनेंस करवा लो या फिर आप कोई RWA बना लो, रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, तो आपका जो एस्क्रो अकाउंट है वो डिलीवरी तक ही होता है, यानी जब तक प्रोडक्ट डिलीवर्ड नहीं होता वो एस्क्रो अकाउंट यूज किया जाता है। जैसे सोसाइटी के अंदर RWA होती है तो RWA अपना अलग से एक अकाउंट है वो ओपन करवा सकता है, तो जिसको मेंटेन करने के लिए आप क्या करते हैं कि हर महीने की जो मेंटेनेंस चार्ज है वो RWA के अंदर तय जाती है, तो डेवलपर का काम यहाँ पे होके एंड हो जाता है। तो वो डिसीजन होता है कि आप डेवलपर के थ्रू कराना चाहते हैं, 1 से 2 साल का टाइम होता है कि जब तक 60% ऑक्युपेंसी नहीं होती तो RWA नहीं बना सकते, तो आप RWA बना सकते हैं, उसके अंदर फिर जो पैसा है 100% का जो एस्क्रो अकाउंट में हो डेवलपर निकाल के यूज कर लेगा। सिर्फ वो जो एस्क्रो अकाउंट है वो एक ही प्रोडक्ट के लिए ही यूज करेगा, उसी प्रोडक्ट का पैसा आएगा, दूसरे प्रोडक्ट के अंदर एस्क्रो अकाउंट को यूज नहीं कर सकता, उसके लिए फिर दूसरा एस्क्रो अकाउंट बनेगा उस प्रोडक्ट के नाम से। जैसे ही लाइसेंस अप्लाई होगा, लाइसेंस मिलेगा, तो आपको भी एस्क्रो अकाउंट है वो ओपन होके मिलेगा। जैसे रेरा आएगा, रेरा के अंदर आप प्रॉपर्टी बाइंग करते हैं तो वो पैसा आपके एस्क्रो अकाउंट में जाता है। तो मेंटेनेंस है RWA के अंदर जाते हैं, तो RWA आपसे चार्ज करते हैं, जिसको हम मेंटेनेंस बोलते हैं, पर मंथली हम देते हैं, तो वो फिर आगे RWA का काम होता है। तो ये पूरी कहानी होती है आपके एक प्रोडक्ट बनने से और RWA तक पहुंचने में, यानी जब आप प्रॉपर्टी के अंदर काम या रहना शुरू करते हैं। तो हो सकता है दोस्तों ये वीडियो काफी हेल्पफुल आप लोगों के लिए रही होगी, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि लोग आज भी एस्क्रो अकाउंट के रिगार्डिंग है वो कंफ्यूज हैं, नहीं समझते। वो ये जानते हैं कि रेरा ओपन करता है एस्क्रो अकाउंट को, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉर्मल बैंक में ओपन होता है, उस प्रोडक्ट का एक रेरा के तहत वो अकाउंट एक बनाया जाता है, डेवलपर पैसा एस्क्रो अकाउंट में डालता है, डेवलपर को हर तीसरे महीने रिपोर्ट रेरा को देनी पड़ती है, तो रेरा चेक करता रहता है कि भाई ये पैसा है वो ठीक यूज कर रहा है नहीं कर रहा है, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग पैसा निकाल रहा है नहीं निकाल रहा है, ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। इजी प्रोसेस है, सेफ है रियल एस्टेट आज के टाइम, और आप आराम से आप पैसा है वो यूज कर सकते हैं। और ज़्यादातर अभी आपने देखा होगा कि मोस्टली जो प्रोडक्ट है वो फुल चेक डील आ गए हैं, यानी सारा का सारा पैसा है वो एस्क्रो अकाउंट के अंदर चला जाता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ऐसे वीडियो आपको देखने को मिलते रहेंगे, और साथ में हम आपको रियल एस्टेट के जो नए नए प्रोडक्ट हैं वो आपको गाइड करते रहते हैं आपके इन्वेस्टमेंट आपके एंड यूजर के हिसाब से। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।